हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। तो जैसे कि आपको पता ही है कि MIUI 12 जो है ऑफिशियली जो है अनाउंस हो चुका है और डे बाय डे जो है चाइना के अंदर MIUI 12 के अंदर जो है काफ़ी सारे नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने कैमरे के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको मैजिक कैमरे का एक नया फीचर जो था आपको अपने MIUI 12 के नए अपडेट के अंदर देखने को मिला था। उसी तरीके से जो है अब Redmi K20 Pro के जो MIUI का कैमरा है उसके अंदर जो है शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको एक नया फीचर और देखने को मिला है जो कि कलाइडोस्कोप, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे फोन में आप देख पा रहे हैं एक्टिवेट हो रखा है और हम उसको परफेक्टली अपने फोन के अंदर यूज कर पा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट रखते हैं अराउंड 200 लाइक्स का, मे बी आप उसको कंप्लीट कर ही देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है Redmi K20 Pro और आज इसके अंदर जो है हम जो MIUI 12 का जो चाइना का जो नया बीटा अपडेट है उसके अंदर जो है हमें कैमरे के अंदर एक नया फीचर देखने को मिला है। वो फीचर जो मिलता है आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर, अगर आप फिल्टर्स पे जाते हैं तो आपको एक नया यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, ब्यूटी फिल्टर्स और क्लाइडोस्कोप में कुछ आपको यहाँ पे 5 से 6 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिस पर जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपको कुछ मिरर इमेज जो है किसी भी सब्जेक्ट की आपको देखने को मिलती है। जैसे आप फर्स्ट फिल्टर में जाते हैं तो देख पा रहे होंगे आपको कुछ इस तरीके की मिरर इमेज यहाँ पे देखने को मिलती है। सेकंड वाले पे कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। थर्ड वाले पे आपको कुछ इस तरीके की मिरर इमेज देखने को मिलती है किसी भी सब्जेक्ट की। फोर्थ पे आप देख पा रहे हैं, फिफ्थ और सिक्स, ये 6 आपको यहाँ पे इसके अंदर इस टाइम पे ये आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं क्लाइडोस्कोप के अंदर, जिसके अंदर आप जो है कुछ इस तरीके का मिरर इफेक्ट जो है अपने फोन के थ्रू किसी भी फोटोग्राफ पे पा सकते हैं, चाहे वो कोई भी फोटोग्राफ हो उसके ऊपर आप उस सब्जेक्ट को कैप्चर कीजिए और वो जो है कुछ उस तरीके का इफेक्ट जो है आपको अपने फोन पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक नया फीचर जो है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको आप जो है MIUI 12 के कैमरे के अंदर आगे चल के देख सकते हैं। बट ये मैं नहीं बता सकता किन डिवाइसेस को देखने को मिलेगा, बट हाँ Redmi K20 सीरीज को ये जरूर देखने को मिलेगा कि चाइना के अंदर जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है और इस टाइम पे जो है हमारे Redmi K20 Pro के अंदर जो परफेक्टली काम कर रहा है, जो कि सिर्फ आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर ही देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ से शॉर्ट वीडियो में जाके कैप्चर कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का आप वीडियो यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। जैसे जैसे आप जो पोजीशन चेंज करते रहेंगे अपने कैमरे की, उस वैसा वैसा इफेक्ट जो है आपको अपने फोन पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफी अलग सा एनिमेटेड सा इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो जो है कैप्चर हो पा रहा है इस टाइम पे हमारा। तो ये देखिए वीडियो जो है कैप्चर हो चुका है, मैं एक बार प्ले कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको जो है वीडियो जो है अब आप अपने फोन से इस फीचर के थ्रू जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक अलग सा इफेक्ट जो है अपने वीडियोस के ऊपर पा सकते हैं। तो बस ये छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर था कि एक नया फीचर जो है MIUI 12 के कैमरे के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फीचर और आज की वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।